Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. शुरुआत करते हैं कोविड 19 के केस से। 853 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 489 डिस्चार्ज या क्योर्ड केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 5430 पर। कोई भी टेस्ट शामिल नहीं है आज के इस बुलेटिन में। कर्नाटक की अगर बात करें तो वो पहली बार ऐसा हुआ है थर्ड वेव के अंदर 50,000 के ऊपर अब केसेस जा चुके हैं। केसेस की अगर बात करें तो बढ़ोतरी होती जा रही है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन अभी भी कम है। सेकेंड वेव के अंदर 21% हॉस्पिटलाइजेशन था, तो थर्ड वेव के अंदर 5% हॉस्पिटलाइजेशन है, जो कि काफ़ी कम है। गुलबर्गा के इंचार्ज मिनिस्टर और कर्नाटक के मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के मिनिस्टर ने कहा कि चार एयरपोर्ट्स आने वाले हैं बागलकोट, रायचूर, दावनगिरे और हासन डिस्ट्रिक्ट में। उनका ये कहना है कि आने वाले वक्त में हर 100 किलोमीटर को एक एयरपोर्ट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं खुसरो जागीरदार, जो वार्ड नंबर 20 के कॉरपोरेटर हैं। हाल ही में उन्होंने बोरवेल्स को ड्रिल कराया था। इस बार सारे बोरवेल्स रेडी हो चुके हैं और इसका इनॉग्रेशन हुआ एमएलए मैडम कनीस फातिमा साहिबा के हाथों। एरिए के लोगों ने खुसरो जागीरदार का बहुत ही शुक्रिया अदा किया और उन्हें फेलिसिटेट भी किया। इस मौके पर कांग्रेस के कई सारे सीनियर चेहरे यहाँ पर नजर आए, जिसमें आदिल सुलेमान सेठ, फराज इस्लाम, मजहर खान, शफी हुंडेकर, खुसरो जागीरदार और एरिए के जिम्मेदार लोग यहाँ पर मौजूद थे। दो बोरवेल का इफ्तिताह हो रहा है। आप लोगों ने काफ़ी तकलीफ उठाई है पानी के लिए। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को आइंदा पानी की बहुत सहूलत हो जाएगी। एक तो टैंक, वो वाटर टैंक जो बना है उससे, और ये बोरवेल से आप लोगों को काफ़ी सहूलत होगी। और जो भी आप लोगों के काम है, आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कारपोरेटर्स जीते हैं इस बार, काफ़ी अच्छा काम शुरू कर दिए हैं लोगों ने। अभी क्योंकि अभी जाके अभी ओथ भी नहीं लिए लोगों ने, उसके बावजूद भी अपने अपने एरिया में सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं और ये बड़ी खुशी की बात है। इंशाल्लाह ताला चार्ज लेने के बाद तो और भी तेज़ काम होगा अपने अपने एरिया में लोगों का। और आप खुसरो जागीरदार साहब को तो आप लोग जानते हैं, देखते हैं कि कैसा उन्होंने काम करते हैं। अब तो कारपोरेटर बने हैं उन्होंने, उससे पहले भी उनका जो एरिया में काम कर रहे थे उन्होंने, वो आप लोग सब देखते हैं उनका कैसा काम रहता है। तो मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी, आइंदा भी हम सब मुत्तहिद रहेंगे, एक साथ जुड़कर रहेंगे, तो हम बीजेपी का मुकाबला कर सकेंगे और बीजेपी को इंशाल्लाह ताला बीजेपी को उखाड़ के फेंकेंगे कर्नाटक से ही इंशाल्लाह ताला। मैडम कनीज फातिमा साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो उन्होंने यहाँ पर आकर अपना कीमती वक्त देकर यहाँ पर दो बोरवेल का उद्घाटन किया है। कांग्रेस ने आज सुभाष चंद्र बोस का जयंती मनाया। जी हाँ, डीसीसी ऑफिस के अंदर ये सारा मामला चला, जहाँ पर सुभाष चंद्र जी के किस तरह सेक्रीफाइजेस थे उस पर बातचीत हुई और यहाँ पर जयंती का सेलिब्रेशन हुआ। जयंती हम कांग्रेस ऑफिस में आज कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस इस देश के आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत योगदान किए। महात्मा गांधी के साथ में उन्होंने मिलकर जो इस स्वतंत्र के लिए, आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत चळवळी में भाग लेके बहुत काम किए। लेकिन महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र का बस का अलग अलग थ्योरी थे। उन्होंने महात्मा गांधी शांति से करना बोल के थे, इन्होंने क्रांति से करना बोल के सुभाष चंद्र बोस का ये था। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज बना के उन्होंने इस आज़ादी के लिए उन आज़ाद हिंद फौज बना के लड़े। उन्होंने कलकत्ता में पढ़ के इंग्लैंड में जाके सिविल सर्विस पास होके ब्रिटिश गवर्नमेंट में बड़ा से बड़ा पोस्ट भी, जॉब भी कर सकते थे, लेकिन वो काम नहीं किए। हम उनका रास्ते पे हम अब क्यों बोले तो अब ये बीजेपी गवर्नमेंट में संविधान के अपोज में काम चल रहा है पूरा। इसीलिए जो महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोदी, ये लोग हम जो संविधान के लिए, जो भारत का संविधान के लिए हमारा बहुत अच्छा संविधान, इस पूरे वर्ल्ड में हमारा अच्छा संविधान है,
इस संविधान के खिलाफ में जो बीजेपी लोग काम कर रहे, इसीलिए हम संविधान बचाने के लिए और ये हमारा सुभाष चंद्र बोस का जो उन्होंने जो काम किए उन्हीं का रास्ते पे हम आज के लोग नौजवान और पूरे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता उस रास्ते पे चलने का अभिनंदन। GoHaz.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार फार यानी फास्ट एक्यूरेट रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHaz.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब्स है जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड हॉस्पिटल एंड शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस।